बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए पुलिस आई एक्शन मोड पर। दिन दहाड़े सपना पेट्रोल पंप में मारपीट करने वाले आरोपियों से लगवाई उठक बैठक, सारे आम आरोपियों का निकाला जुलूस। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। क्षेत्र में आए दिन चाकूबाजी और सारे आम मारपीट जैसे घटनाएं आम हो चुकी हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस को सड़कों पर आना पड़ा और जिससे लोगों में अब पुलिस पर विश्वास और आरोपियों में खौफ दिखाई देने लगा है। पुलिस ने एक मारपीट के आरोपी को सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई एवं स्टेशन रोड से पुलिस थाने तक का जुलूस निकाला। दरअसल रविवार की शाम गंजबा सौदा में सपना पेट्रोल पंप के सामने 2000 रुपए की उधारी को लेकर कुछ युवाओं में आपस में विवाद हो गया, जिसके चलते हरनाम सिंह अहिरवार एवं अन्य ने राहुल मालवीय के ऊपर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे राहुल मालवीय को गंभीर चोट आई। आरोपी ने राहुल मालवीय के घायल होने के बाद भी मारपीट की, जिसका वीडियो पूरे शहर में वायरल हुआ है। राहुल को गंभीर हालत में गंजबा सौदा के शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां हालात नाजुक देखते हुए हमीदी अस्पताल भोपाल के लिए रेफर किया गया है। अभी तक पीड़ित की हालात गंभीर बताई जा रही है। आरोपी युवक को पुलिस द्वारा घटना स्थल पर ले जाकर जनता के बीच में कान पकड़कर उठक बैठक और नारेबाजी भी लगवाए। बिदसा गंजबा सौदा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। विवाद के दौरान एक हरनाम सिंह अहिरवार नाम के व्यक्ति ने राहुल मालवीय को सिर में गंभीर चोट पहुंचाई लोहे की राड से, जिससे वो अचेत हो गया और दुर्भाग्य से वो अभी तक अचेत है। और हालांकि उसको भोपाल में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी वो उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उसके परिजन उसके साथ में, उसके MRI वगैरह के सभी टेस्ट तो ठीक ठाक आए हैं, लेकिन वो अचेत है। संभवतः उसके किसी ऐसे न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से वो अभी पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्योंकि आर्म्स एक्ट जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन गंभीर और घातक हथियार का प्रयोग किया गया है और इसमें हमने धारा 307 के तहत ही अपराध पंजीबद्ध किया है।